फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। फ्रेंड्स, आज हम इस अपने वीडियो में बात करने वाले हैं CRPF के फुल फॉर्म, उसके CRPF के डेट ऑफ इस्टेब्लिशमेंट यानी कि स्थापना दिवस के बारे में, CRPF के हेडक्वार्टर यानी कि CRPF के मुख्यालय के बारे में, और मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन टू ज्वाइन CRPF यानी कि CRPF को ज्वाइन करने के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता के बारे में, और मिनिमम एज क्राइटेरिया यानी कि CRPF को ज्वाइन करने के लिए एज क्राइटेरिया के बारे में। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को फॉलो जरूर करें। तो फ्रेंड्स, मैं आदित्य गुप्ता स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने चैनल GKNGS अपडेट पे। तो अगर हम बात करें सबसे पहले अपने टॉपिक CRPF के फुल फॉर्म की, तो वो है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, जिसे हम हिंदी में कहते हैं केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल। तो फ्रेंड्स, आगे अगर हम बात करें इसके डेट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट यानी कि स्थापना दिवस के बारे में, तो फ्रेंड्स, CRPF वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन 28 दिसंबर 1949, यानी कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की स्थापना 28 दिसंबर 1949 को हुआ था। तो फ्रेंड्स, आगे अगर हम बात करें CRPF के हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय के बारे में, तो फ्रेंड्स, द हेडक्वार्टर ऑफ CRPF वाज सिचुएटेड इन न्यू दिल्ली, यानी कि CRPF का मुख्यालय न्यू दिल्ली में स्थित है। तो फ्रेंड्स, आगे अगर हम बात करें तो इसके मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में, तो वो है CRPF को ज्वाइन करने के लिए मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन है 10+2 या फिर 10+2 के इक्विवेलेंट कोई भी डिग्री, और साथ ही साथ 35 से 40 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश टाइपिंग स्पीड और 25 से 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी टाइपिंग स्पीड भी होना ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, आगे अगर हम बात करें इसके एज क्राइटेरिया के बारे में, यानी कि CRPF को ज्वाइन करने के लिए एज क्राइटेरिया है, तो वो है 18 से 25 वर्ष, यानी कि CRPF को ज्वाइन करने के लिए जो न्यूनतम आयु है वो है 18 वर्ष, और जो अधिकतम आयु है वो है 25 वर्ष। इसके बीच का कोई भी आदमी इसमें ज्वाइन कर सकता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।